नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी एंड गार्डनिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम का सभी लोग अपने अपने हिसाब से इसका यूज़ कर रहे हैं। गार्डनर लवर्स भी अपने प्लांट्स पे अच्छे से फोकस कर रहे हैं, बिकॉज हम इतना पहले फोकस नहीं कर पाते थे। और अभी हमारे पास जो फ्री टाइम है, इसमें जो भी गार्डनर लवर हैं वो अपने प्लांट्स को अच्छा करने में, उनकी ग्रोथ अच्छी करने में, उनकी केयर अच्छी करने में लगे हुए हैं। तो इसी टाइम का यूज़ करते हुए मैंने भी एक हैंगिंग बास्केट बनाने का विचार किया है। इसमें मैंने ये एक बास्केट ली है जो वेस्ट है, ये एक जगह से ब्रेक हो गई है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये किसी काम की नहीं है। तो इसको मैंने सोचा मैं इसका एक पॉट तैयार करती हूँ, एक हैंगिंग बास्केट तैयार करती हूँ। इसके लिए मैंने दो तीन तरीके के प्लांट चूज़ किए हैं अपने ही गार्डन से। तो एक तरफ मैंने ये लगाया है मनी प्लांट, लीव लगाई है मनी प्लांट की। एक तरफ मैंने ये वंडरिंग जू लगाया है, बीच में मैंने लगाए हैं एस्पैरेगस फर्न के खूब सारे बल्ब। दोस्तों कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि प्लांट की रूट प्रूनिंग कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने एस्पैरेगस फर्न की रूट प्रूनिंग करी थी। तो उसमें से एक ही बड़ी सी ब्रांच टूट गई थी मेरे हाथ से, तो मैंने इसको वापस से यहाँ मिट्टी में दबा दिया है ताकि ये भी चल जाए। और खूब सारे बल्ब्स निकले थे उसमें, तो मैंने ये बल्ब पे बीच में लगा दिए हैं। मैंने खूब सारे बल्ब लगाए हैं ताकि इसमें से कुछ ना कुछ तो स्प्राउट्स निकलेंगे। तो इसके लिए मैंने ये बास्केट ली है। बास्केट के अंदर एक मोटा कपड़ा लगा है, बिकॉज इस जाली है तो मोटा कपड़ा होगा तो वो पानी को भी होल्ड करेगा और मिट्टी को भी होल्ड करेगा, ठीक है। और बीच में मैंने सॉइल ली है, सॉइल एकदम प्लेन है, इसमें कोई भी खाद नहीं है। बिकॉज दोस्तों अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं, ना ही प्लांट ला सकते हैं, ना ही कोई खाद ला सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हम जब गार्डनिंग स्टार्ट करें या गार्डनिंग करना चाहें तो हमारे पास प्लांट्स होने चाहिए, हमारे पास कंपोस्ट होनी चाहिए। बिना प्लांट्स के भी हम छोटी छोटी कटिंग्स जो भी हमारे आस पास है, हमारे घर में है, उसे भी गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए विचार की ज़रूरत है, प्लांट्स और पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने बीच में तो लगाए हैं खूब सारे बल्ब, ताकि मेरा ये इंटेंशन है कि ये जो बास्केट है बीच में से एस्पैरेगस जब फर्न निकलेगी तो वो पूरे बास्केट को कवर कर लेगी, जो बहुत प्यारी लगेगी। जैसे कि मेरा ये प्लांट आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बीच में से ग्रो हो रहा है, तो इसमें भी आई होप ऐसा ही होगा। और इसको मैं हैंगिंग बनाऊंगी, तो अगर साइड से इस तरीके से प्लांट नीचे गिरते हुए दिखेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। इसलिए मैंने एक तरफ तो लगाया ये मनी प्लांट, एक तरफ लगाया है वंडरिंग जू। और ये जैसे कि मैंने बताया कि एक जो है स्टेम में से टूट गई थी, तो मैंने इसको ही भी मिट्टी में दबा दिया है। तो दोस्तों ये जो मनी प्लांट है आप कटिंग बड़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये था, ये जो है लीफ, इस पर अच्छी सी जड़ें निकली हुई थी। मैंने पानी में, आपको दिखाऊं, ये देखिए पानी में मैंने दो लीफ ग्रो कर रखी थी, दोनों की बहुत अच्छे से जड़ें निकल रही हैं, तो इसकी भी जड़ें बहुत अच्छी निकल रही हैं। तो मैंने पहले एक ही लगाई है, अगर इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो फिर मैं एक और बास्केट तैयार कर लूँगी, उसमें उसका यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये वेस्ट मटेरियल से ही और अपने पास जो प्लांट्स थे उनसे ही ये बास्केट बनाई है। इसके अंदर कंपोस्ट मैंने अभी नहीं डाली है, लेकिन जब बाद में इसकी ग्रोथ होगी और जब लॉकडाउन खुल जाएगा हम कंपोस्ट ला के इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस टाइम का मैंने सदुपयोग किया है। ये हैंगिंग बास्केट जैसा मैं चाह रही हूँ, अगर वैसी बन जाएगी तो दिखने में बहुत प्यारी लगेगी। तो दोस्तों आप भी इस तरीके की वेस्ट मटेरियल से अपने आसपास जो भी प्लांट है, आपके पास भी कोई प्लांट है, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनकी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। मनी प्लांट तो एक लीव से भी ग्रो हो जाता है, अगर आपके पास है तो आप उसको मिट्टी में पानी में कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी वेस्ट मटेरियल आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये मैंने एक बॉटल को कट किया है, ये मेरे पुराना ही प्लांटर है, तो अब मैं इसको वापस से कलर करके फिर से रीयूज़ कर सकती हूँ। छोटा सा ही प्लांटर, इसमें कोई भी ग्रो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपके पास पोट ही हो। ये देखिए एक प्लास्टिक का ये बॉक्स है, मैंने इसको इस तरीके से यूज़ किया, जेड प्लांट लगाया। एक ही छोटी सी मेरे पास मिट्टी की ग्लास थी, तो इसमें भी मैंने देख सकते हैं जो है जेड प्लांट लगाया है। तो दोस्तों गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास पोट हो, अगर आपके पास मिट्टी भी नहीं है तो आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्लांट्स नहीं है और आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप घर में से ही, जैसे कि किचन में से आप प्याज को ग्रो कर सकते हैं, है ना, आलू को ग्रो कर सकते हैं, लहसुन को ग्रो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मेथी दाना होते हैं उसको भी ग्रो कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। जो हमारे हम लोग घर में सौंफ यूज़ करते हैं उसको ग्रो कर सकते हैं, अजवाइन को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं ना तो आप स्टार्ट किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। और ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई बहुत ईजीली ग्रो हो जाती है, सबके घरों में भी होती हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से इस टाइप का मैंने यूज़ किया है और ये पॉट बनाया है। आप भी इस तरीके से हैंगिंग बास्केट बनाएं और अपने गार्डन को और हरा भरा कर सकते हैं इस टाइप का यूज़ करके, या फिर आप अपने आपके पास जो भी प्लांट है आप उनकी अच्छी केयर कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं अपने प्लांट्स को, तो जो प्लांट आपके पास है आप उनकी अच्छी केयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए भी कंपोस्ट हो। आप घर में भी किचन में बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र होते हैं, आप उनको यूज़ करके भी अपने प्लांट की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।